बाव चांग्यान की आइडियल गर्ल जेंटल और प्रेजेंट बनने की पूरी तरह से ट्राई कर रही थी। उसके पापा बाहर से उसे देखकर सोचते हैं, मेरी छोटी सी बेटी जो कभी मेरे गोद में खेला करती थी अब कितनी बड़ी हो गई है, और जाकर उसे ड्रेसअप होने में हेल्प करते हैं। उससे कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारी मोम को ऐसे ही रेडी करवाता था, पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची को कौन ऐसे ड्रेसअप करवाएगा। तो इनबाव कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो पा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। फिर उनसे कहती है, आप जैसा लिटिल फॉक्स के बारे में सोचते हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, मुझे कभी भी हर्ट नहीं करता। उसके पापा कहते हैं, तुम बहुत सिंपल हो इनबाव, पर लोग इतने सिंपल नहीं होते, हो सकता है उसके कुछ अलग प्लान्स हो तुम्हें लेकर। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित थे। इनबाव कहती है, आप चिंता ना करें पापा, और किसकी इतनी हिम्मत है जो आपकी बेटी को हर्ट कर सके। आगे चांग्यान भी उसके पापा के बातों को सोचकर दुखी हो रहा था। वो रूम से बाहर निकलने लगता है तो बाहर इनबाव उसके लिए ही अच्छे से रेडी होकर खड़ी थी, और उससे अपने नेचर के ऑपोजिट क्यूट और शर्मिली बनकर बात करने लगती है। चांग्यान तो उसकी हरकतें देखकर स्माइल करते जा रहा था। इनबाव कहती है, आप तो हमारे वर्ल्ड में पहली बार आए हो, आपको इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो क्या आप मेरे साथ इस जगह को देखना चाहोगे? इसके लिए चांग्यान थोड़ा नखरे दिखाने लगता है तो इनबाव अपने फॉर्म में आकर उसे चिल्ला कर कहती है, आप ऐसे मना नहीं कर सकते। चांग्यान उसे घूर कर देखता है तो इनबाव फिर से शर्मिली रूप में आ जाती है। चांग्यान कहता है, ठीक है तो फिर तुम मुझे अपनी जगह पर ले चलो। उसकी जगह तो कैसीनो है, पर वो चांग्यान को वहाँ पर कैसे ले जाती, इसलिए उसे लाइब्रेरी ले जाती है। पर इनबाव को तो बुक देखते ही नींद आने लगती है। चांग्यान उससे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। इनबाव पूछती है, कहाँ जाना चाहते हो आप? तो चांग्यान कहता है, कैसीनो में। इनबाव कहती है, कैसीनो नहीं, वो अच्छी जगह नहीं है। अगले सीन में दोनों कैसीनो में थे। इनबाव अपने वर्ल्ड में आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, और फिर मजे मजे से जुआ खेलने लगती है। चांग्यान भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रहा था और उसे बहुत सारे पैसे भी जिता देता है। फिर दोनों खाना खाने जाते हैं। चांग्यान ने उसकी पसंद का तंदूरी चिकन मंगवाया था, पर इनबाव तो आज उसके लिए स्वीट और जेंटल बनी है, इसलिए अपने फेवरेट खाना को भी मना कर देती है। चांग्यान कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं, पर मुझे तो बहुत पसंद है। ये सुनने के साथ ही वो तो खाने पर टूट पड़ती है, अपने दोनों हाथों से खाने लगती है। इनबाव उससे पूछती है, तुम अपने क्लान से इतनी दूर क्या करने आए हो? चांग्यान बताता है, मेरा कुछ यहाँ पर खो गया है, उसी को लेने आया हूँ। इनबाव कहती है, क्या उस चीज के मिल जाने से तुम वापस अपने घर चले जाओगे, क्या फिर कभी वापस नहीं आओगे? चांग्यान कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं फिर से वापस आ जाऊं? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। तो इनबाव खुश हो जाती है। कल लालटेन फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल में सब कपल मिलकर लालटेन पर अपनी विश लिख कर जलाया करते हैं। तो इनबाव भी चांग्यान को लालटेन फेस्टिवल में इनवाइट करती है, तो वो भी आने के लिए मान जाता है। चांग्यान के साथ फेस्टिवल में जाने की खुशी में इनबाव तो रात में सो भी नहीं पाती। कहती है, कल तो मैं उसके साथ जाने वाली हूँ, पर मैं कैसा बिहेव करूँ कि उससे मुझसे प्यार हो जाए? उससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए अगले दिन वो अपने भाई बहनों से लव को लेकर सजेशन मांगती है। वो सब लोग उसे प्यार को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन बताते हैं। कुछ लोग तो उसे एक्ट कर भी दिखाते हैं, पर सब लोग उसे बकवास आइडिया ही दे रहे थे, जिसमें से उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। एक तो उसे लव को जानने का बुक ही दे देता है। इनबाव अपने रूम में उस बुक को खोल कर देखती है तो ये तो असली बुक था, इसलिए उसे फेंक कर कहती है, अरे बाप रे, ये कैसी बुक है, छी छी। फिर एक लव स्टोरी बुक को उठाकर उसे पढ़ते हुए कैसे अपने प्यार का इजहार करेगी ये प्रैक्टिस करने लगती है। उन रोमांटिक बातों को पढ़कर वो तो अपने ही ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर चांग्यान उसे अपने पास बिठाकर उसे किस कर लेता है। हुओ के बुलाने पर वो अपने होश में आती है। हुओ उसे अपने साथ लालटेन फेस्टिवल देखने के लिए इनवाइट करता है। इनबाव तो चांग्यान के ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे हाँ कह देती है। इधर गेट के बाहर सू भी हानियों के आने का इंतजार कर रही थी। हानियो तो आता है, बट उसके साथ इनबाव भी थी।
जो देखकर सू नाराज हो जाती है। वो तो हानियो के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहती थी। आके गार्ड घबरा कर इनबाव के पापा के पास आता है और उन्हें बताता है कि एक मुसीबत आ गई है। सभी कल्टीवेटर फैमिली के लोग आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि ब्रोकन मून माउंटेन में हमारे कई आदमी फॉक्स के द्वारा मारे गए हैं। ये सुनकर मास्टर भी परेशान हो जाते हैं। इधर मेले में इनबाव अपने और चांग्यान के लिए तो 100 के टिकट्स लाई थी, तो हानियो कहता है क्या सिर्फ 2 टिकट्स और मेरा कहाँ है। इनबाव कहती है तुम सू के साथ घूमो ना, जाओ यहाँ से। सू भी उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। फिर दोनों बैठकर डांस शो देखने लगते हैं। इनबाव अच्छा समय देखकर अपने लव स्टोरी बुक से इंस्पिरेशन लेकर चांग्यान को प्रपोज कर देती है। उसी टाइम सब लोग चिल्ला चिल्ला कर डांसर्स को अप्रिशिएट करने लगते हैं, जिससे चांग्यान तो उसका कन्फेशन सुन ही नहीं पाता। तो इनबाव दुखी हो जाती है, पर वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए फिर से उसे अपने दिल की बात बताने चाहती है। पर चांग्यान तो उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिससे इनबाव अपना मुंह खुलाकर बैठ जाती है। सडनली चांग्यान जाकर इनबाव को किस कर लेता है। उसने इनबाव का कन्फेशन सुन लिया था। इस नज़ारे को वो भी देख लेता है जो बड़ी खुशी मन से इनबाव के साथ फेस्टिवल देखने आया था और आज उसे अपने दिल की बात भी बताना चाहता था। उन दोनों को किस करते हुए हानियो और सू भी देख लेते हैं। उन दोनों की हैरानी तो सातवें आसमान तक पहुंच गई थी। लिटरली वो दोनों तो स्टेचू ही बन गए थे। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।